हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस आइडियल एजुकेशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन और उसके गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग प्रतिबिंब क्या होता है और इसका फॉर्मेशन कहते हैं और इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग वैसे तो प्रतिबिंब के बारे में जानते होंगे कि जब हम लोग किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जो वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है उसका इमेज क्या होता है उस दर्पण में बन जाता है, यह तो पता है सबको, लेकिन डिफिनेशन मोस्टली किसी को नहीं पता। और कुछ बच्चे क्या होते हैं जिसको रटने की कोशिश करते हैं, रट तो लेते हैं, लगभग थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का मतलब प्रतिबिंब क्या होता है। जिस वस्तु का हमें प्रतिबिंब देखना होता है उसे क्या कहते हैं, बिंदु वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो जो बिंदु वस्तु होती है उससे प्रकाश की किरणें निकलती हैं, फिर वो वहाँ से चलकर यदि प्रकाश की किरणें बिंदु वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, मतलब जो बिंदु वस्तु है उससे प्रकाश की किरणें निकली और कहीं ना कहीं तो चलकर जाएंगी, फिर किसी तल से मतलब टकराएंगे, फिर उनका परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उसी बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, बिंदु वस्तु क्या होती है, जिस वस्तु का हमें प्रतिबिंब देखना होता है, इमेज देखनी होती है, वही हमारा होता है बिंदु वस्तु। ठीक है, अब परावर्तन क्यों हो रहा है, परावर्तन कैसे होता है, जब कोई रे ऑफ लाइट आती है और चिकने तल से टकराती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। चलिए ठीक है, यह हमारा प्रतिबिंब हो गया। अब प्रतिबिंब के प्रकार भी कुछ होते हैं, कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, पहला हमारा प्रतिबिंब कौन सा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है वास्तविक मतलब पता है ना, वास्तविक मतलब रियल, जो रियल इमेज बनती है वो होता है वास्तविक, और आभासी मतलब नहीं पता। चलिए ठीक है, तो हम लोग आज इन प्रतिबिंब के बारे में कर लेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब जान गए ना। ठीक है, चलिए एक बार मैं प्रतिबिंब को फिर से डिफिनेशन बता देता हूँ। यदि किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब में छिपा है, जिस वस्तु पर मिलती हैं, तो मिलती मतलब रियल, मिल रही हैं, तो ये रियल हो गया, तो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। या प्रतीत होती है, प्रतीत मतलब आभासी, अभी पता नहीं है कि कहाँ पे मिल रही है, लेकिन मिल रही होंगी कहीं पे, ये हमने दिमाग में बैठा लिया कहीं पे मिल रही होंगी, तो ये हमारा क्या हो गया, आभासी हो गया। बस हो गया डिफिनेशन, पूरी डिफिनेशन हमें प्रतिबिंब की तरह है। बस अगर वास्तविक लिखना है तो हम लोग कर देना है कि वास्तव में मिलती हैं, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। यदि आभासी प्रतिबिंब की डिफिनेशन लिखनी है तो हम लोग लिख देंगे कि हाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा ठीक, डेफिनेशन बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि बताएं। चलिए ठीक है, रहने देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि ज़रूर करिए करिए, अगर पसंद अच्छी लगे आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर नहीं है तो भी ठीक ही है।